नमस्कार दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने जमीन पर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी की। भाजपा के 195 दिग्गजों की लिस्ट में केंद्रीय मंत्री और कद्दावर नेता नितिन गडकरी का नाम गायब है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पहली सूची से बाहर करने पर विपक्ष भाजपा पर जमकर हमलावर है। इस बीच नागपुर से 2 बार के सांसद गडकरी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नागपुर हवाई अड्डे पर मुलाकात की। यह तब की बात है जब पीएम मोदी तेलंगाना के आदिलाबाद जाने के लिए रास्ते में कुछ देर के लिए रुके थे। हवाई अड्डे पर स्वागत करने के बाद नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बताया जा रहा है कि कुछ देर बातचीत भी हुई। हिंदुस्तान की एक खबर आप देख सकते हैं। हिंदुस्तान ने इस खबर को छापते हुए लिखा है कि पीएम मोदी से मिलने एयरपोर्ट पहुंचे नितिन गडकरी, बीजेपी की पहली लिस्ट में नहीं है नाम, क्या हुई बातचीत। बता दे, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची में 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 195 उम्मीदवार शामिल हैं। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह जैसे 34 केंद्रीय मंत्रियों का नाम इस लिस्ट में शामिल है, लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम गायब था। अब गडकरी का नाम भाजपा की पहली सूची में नहीं होने से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। उन्हें बाहर किए जाने पर भाजपा पर कटाक्ष करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि वह सूची में गड़बड़ी की अनुपस्थिति से आश्चर्यचकित हैं और उन्हें आश्चर्य है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी कृपा शंकर सिंह को पहली सूची में कैसे रखा गया। उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ किए गए काम को भी याद किया, जिन्होंने शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे की ओर से शुरू की गई परियोजना मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को तेजी से पूरा करने में सहयोग दिया था। शिवसेना के मुखपत्र सामना के मुताबिक माना जाता है कि पिछले 10 साल में देश में जो विकास हुआ उसमें सबसे बड़ी भूमिका सड़क निर्माण मंत्रालय का है, जिसे गडकरी संभालते हैं। प्रधानमंत्री मोदी गडकरी की ओर से बनाई गई कई राष्ट्रीय परियोजनाओं का उद्घाटन कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने उस काम का श्रेय नितिन गडकरी को नहीं दिया। शिवसेना के मुखपत्र सामना के मुताबिक मंत्रिमंडल और भाजपा में नितिन गडकरी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो मोदी शाह की दादागिरी के सामने नहीं झुकते हैं। नितिन गडकरी का नाम कटने के अटकलों के बीच विपक्ष का मानना है कि पीएम मोदी के साथ तनावपूर्ण संबंधों के कारण गडकरी को पार्टी का टिकट पाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि दिल्ली में सरकार बनाने में महाराष्ट्र बड़ी भूमिका निभाता है और पिछले चुनाव में भाजपा और शिवसेना ने 42 सीटें जीती थी। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र की सीटों के बगैर एनडीए 250 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा ने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, लेकिन मैं कहता हूं कि अब की बार भाजपा तड़ी पार। बता दे, भारतीय जनता पार्टी ने अब तक सिर्फ 195 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, बाकी अभी 348 सीटें बची हुई हैं। हालांकि इनमें तो कई सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में चली जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब दूसरी लिस्ट सामने आएगी तब देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या उस दूसरी लिस्ट में नितिन गडकरी का नाम शामिल रहता है। बहरहाल आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।